आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह की अगुवाई में आज पार्टी के नेता मीडिया से मुखातिब होंगे। इस दौरान पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी के ऑपरेशन विस्तार के बारे में जानकारी देंगे। बताया जा रहा है कि कुछ और नाम भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। जत्थेदारों को बदलने के लिए पांच प्यारों की तरफ से मिले अल्टीमेटम के मामले पर एचपीसी ने 1 जनवरी को ही आपात बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि 1 जनवरी को ही पांच प्यारों की ओर से दिया अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। कांग्रेस के विधायक राजकुमार वेदका ने दावा किया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अमृतसर से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कैप्टन इसको लेकर हामी भर चुके हैं। वहीं कैप्टन के इस दावे पर उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने कहा है कि चुनाव लड़ना या ना लड़ना ये कैप्टन की मर्जी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को गुमराह करने के आरोपों पर पंजाब की सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने कैप्टन के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सोशल मीडिया लोगों की आवाज बना है, ऐसे में अकाली दल और कांग्रेस घबरा गए हैं। पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर सामने आई है। गिदरबाहा के विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पूर्व विधायक रघुवीर सिंह के बीच तकरार उस वक्त देखने को मिली जब माघी मेले की तैयारियों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक चल रही थी। सफेद मक्खी से कपास की बर्बादी के मुद्दे पर कृषि मंत्री और कृषि विभाग ने चुप्पी तोड़ दी है। विभाग का कहना है कि सफेद मक्खी की बीमारी लाइलाज थी। पंजाब में कीटनाशक और फर्टिलाइजर की बिक्री पर लाइसेंस के लिए सूबा सरकार ने बीएससी खेतीबाड़ी की डिग्री जरूरी कर दी है। पंजाब के सियासी मैदान में भैंस भाइयों ने भी ताल ठोक दी है। भैंस भाइयों ने इंसाफ पार्टी का गठन किया है और सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही हम ख्याल पार्टियों से गठजोड़ के भी संकेत दिए हैं। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल की ओर से किसान खुदकुशियों का मुद्दा उठाने पर प्रशासन जाग चुका है। प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेने का भरोसा दिया है। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने मानसा में किसान खुदकुशियों के मुद्दे को प्रमुखता से दिखाया था। फाजिल्का में पिछले साल निर्वैल सिंह नाम के किसान ने खुदकुशी कर ली थी। बुधवार को निर्वैल सिंह की अंतिम अरदास के लिए अखंड पाठ का भोग डाला गया। इस मौके पर कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। सांसद दुष्यंत चौटाला केंद्रीय उड्डयन मंत्री को चिट्ठी लिखेंगे। दोनों प्रदेशों की सरकारों में सहमति के चलते इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शहीद भगत सिंह का नाम देने को लेकर चिट्ठी लिखेंगे। दोनों प्रदेशों की राजधानी चंडीगढ़ होने के चलते एयरपोर्ट के नाम के साथ चंडीगढ़ रखने की भी मांग करेंगे। हरियाणा में हो रहे पंचायत चुनावों में नामांकन भरने की आखिरी तारीख 29 दिसंबर थी, लेकिन अभी भी हरियाणा चुनाव आयोग के पास नामांकनों की पूरी जानकारी नहीं है। हरियाणा खट्ट सरकार पिछली हुड्डा सरकार के दौरान हुए बिजली सौदों की जांच करवाने का मन बना चुकी है। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरवीर सिंह ने उम्मीद जताई है कि कुंडली मानेसर हाईवे तय सीमा से पहले शुरू हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पीजीआई चंडीगढ़ में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और टेली एविडेंस सेवा की शुरुआत की। बुखार और सीने की दर्द की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद की हालत स्थिर है। एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को फोन पर दी गई चेतावनी के मामले में हिसार सिटी पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। आईपीसी की धारा 506 के तहत मामला दर्ज। 3 साल पूरे होने पर सीएम वीरभद्र सिंह अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, तो इन दावों को बीजेपी ने खारिज किया है। विपक्ष ने सरकार पर लगाया आरोप, पूर्व की बीजेपी सरकार के समय करवाए गए कामों को अपना बताकर गुमराह कर रहे हैं प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जी पंजाब हरियाणा के दर्शकों और लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। कहा आने वाला साल लोगों के लिए ढेरों खुशियां लेकर आए। जींद पुलिस ने एक सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। सब इंस्पेक्टर पर 1 लाख रुपए की रिश्वत लेकर चूरा पोस्ट तस्कर को लॉकअप से फरार करवाने का आरोप लगा है। रोहतक के लाखन माजरा पुलिस स्टेशन के एसएचओ को सोनीपत विजिलेंस ने 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। हरियाणा डीजीपी यशपाल सिंघल का दावा, न्यू ईयर पर हरियाणा में पुख्ता है सुरक्षा के इंतजाम।
नए साल के जश्न को लेकर गुड़गांव में सुरक्षा के जबरदस्त बंदोबस्त किए गए हैं। दिल्ली फरीदाबाद रोड समेत कई जगह नाके लगाए गए। शिमला पुलिस के सामने नए साल और पंचायती चुनावों के साथ साथ सैलानियों की सुरक्षा की बड़ी चुनौती। नए साल पर शिमला में बर्फबारी न होने से मायूस है सैलानी, लेकिन आइस स्केटिंग का जमकर मजा ले रहे हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 20 के रहने वाले 13 साल के दिशांत मेहंदीरता को इस बार गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से नवाजा जाएगा।